soon. 9, 1. Next 9 under 4, 4 under 2. 2 under question mark. And beside a question mark is a 7. And 5 under 3. And then ये इस तरह से फिगर बना हुआ है स्क्वायर लाइक एंड सेंटर साइड 8. व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? ये नंबर क्या होगा? ऑप्शन इज ए 9, ऑप्शन बी इज 12, ऑप्शन सी इज 6, ऑप्शन डी इज 3. कैसे सॉल्व करेंगे? 9. हाउ इट इज सॉल्व स्टूडेंट? एनी गेसिंग? अगर माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा हो तो जस्ट मैं आपकी हेल्प करती हूँ. और आप देखिए 9 plus 1 10, 10 plus 5 50. Here 50. नीचे चलते हैं आप. 5 plus 3 8, 8 plus 7 50. बैक साइड होते हैं 9 plus 2 11, एंड 11 plus 4 मैम 6. या वेरी करेक्ट. 7 plus 2 9 और 9 plus 6 गेट ए 50. Then 6 plus 1 7 or 7 plus 8 get a 50. Means all side. ये step क्या निकलेगी? Last number is a 15. Year 15. तो इस step का question repeat हुआ है आपका 1998 में. Mental math question. 30 second रहते student. आप फटाफट उसको plus करके देखिए. या तो प्लस होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में. ओके? यस मैम. यस मैम. अंडरस्टैंड? बेटर अंडरस्टैंड? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. शैल आई इरेज? यस मैम. यस मैम. Next question. Which number is equivalent? Question is 3 to the power 4. Upon 3 to the power 2 is equal to a box, blank box, and inside a box question mark. Which number will come here? You know that about the exponent rules? Yes, friend. Option is 3, B option is 9, C option is 8, and D option is nothing, 0. Have you read the exponent power? You don't forget the exponent first. You simply need to subtract the exponent. So first आपको क्या करना है? 4 minus 2. इनके powers को minus कर दीजिए. 2. And get 2. 2. So we write here 3 to the power 2. And what do you mean by 3 to the power 2? It means
मैं इसको यहाँ जूम करके बता रही हूँ, 3 × 3 गेट ए 9। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं व्हाट इज एक्सपोनेंट रूल्स, सो मेनी रूल्स आर, बट हियर यूज x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। दिस रूल यूज हियर, व्हाट इज द x, x इज अ 3 एंड व्हाट इज द m, m is the 4 and what is the x, x is a 3 and what is the n, n is a 2 and 4 minus 2 m minus n, so answer will come 3 to the power 2 and what is the 2 means 3 multiply by itself, apne khud se multiplication ho jayega, 3 multiply by itself and 3 into 3 is equal to 9, so answer will come b option। Yes, ma'am. Understand, student? Yes, yes, ma'am. अब last classes में आप लोगों को mirror वाले जो mirror image वाले questions थे, थोड़ा सा आपको getting trouble हुआ, है ना? थोड़ा सा trouble हुआ इस question को करने में, तो आज मैं आप लोगों के लिए basic mirror image वाले questions लेके आई हूँ। बेसिकली पूरे मिरर पे डिपेंड्स करते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट, क्योंकि कम से कम 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो है नवोदय या एनी एंट्रेंस एग्जाम में ये आते हैं मिरर वाले क्वेश्चंस। तो मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट होता है वर्टिकल और सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो बेसिकली क्वेश्चन के साथ में वर्टिकल मिरर बना होता है या फिर हॉरिजॉन्टल मिरर बना होता है। वर्टिकल कैसा होता है, इस टाइप का आपको नजर आएगा, हॉरिजॉन्टल आपको इस टाइप का नजर आएगा। ओके, इसमें साइलेंट लाइन वाला कोई भी इमेज नहीं होता है, सिर्फ टू टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल होता है और सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल। तो बेसिकली मिरर इमेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं जो 7 मार्क्स आपको दिला सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसके ऊपर आज बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द अल्फाबेट ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो आपको मालूम है 26 होते हैं, लेकिन अगर उनको मिरर के दृष्टि से देखा जाए, मिरर व्यू किया जाए, तो कैसे चेंजेस होगा। तो जस्ट हम एक लाइन खींच लेते हैं, सबसे पहले वर्टिकल मिरर के लिए आप मेरे साथ वर्क करते चले जाएं। ये मेरा वर्टिकल मिरर हुआ और मैं इसको ड्रा कर दे रही हूं, ए फर्स्ट लेटर होता है ए, ए में स्टूडेंट कोई चेंजेस नहीं होता, ए बी यस चेंजेस होगा और ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, सी चेंजेस होगा लाइक दैट, डी यस चेंजेस होगा डी, ई यस चेंजेस होगा लाइक दैट, उल्टा दिखाई देगा हमको, एफ यस चेंजेस होगा, देखिए ये एफ एफ ऐसा आपको दिखाई देगा, जी यस पॉसिबल है चेंजेस, और ये आपको दिखाई देने वाला है कुछ इस तरह। प्लीज नोट, नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं मिरर इमेज के और विदाउट दिस दीज हेल्प हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये चीजें अगर आपके माइंड में होती हैं तो इससे बेस्ट कोई बात नहीं होगी। एच जी आफ्टर एच, एच में कोई चेंजेस नहीं होता, मैं एज इट इज राइट कर रही हूँ, एच आफ्टर आई नेवर चेंज,
जैसे हम फॉर्मूले मैथ में कर लेते हैं, वंस टाइम वी कीप इन माइंड फॉर्मूलेज ऑफ द मैथमेटिक्स, तो हमको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए हम उसको विदाउट वेस्टिंग टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे हमको ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे हमारे। आई नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होते हैं जे, यस चेंजेस होगा लाइक दैट। Changes. L, yes. M, no changes. No changes. N, yes changes. ये कुछ हमको ऐसे नजर आएगा। O, no. P, yes. हमको इस तरह से नजर आएगा अपोजिट पी, देन नेक्स्ट मैं ड्रॉ कर रही हूं। क्यू, यस स्टूडेंट क्यू में भी चेंजेस होगा, ये देखिए। आर, यस S, S आपको ऐसा दिखाई देगा कि कोई भी कोई टीचर नहीं बताता है, बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, जैसे मैंने यस लास्ट क्लासेस ली, लेकिन उसमें ये स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि वो मिरर अगर वर्टिकल रखा हो तो किस तरह से हमको इमेज दिखाई देगा। तो मैं बेसिकली आपको बता दे रही हूँ कि ये स्टेप से अगर क्वेश्चन आते हैं और अगर मिरर वर्टिकल है तो हमारा जो टाइप ऑफ अल्फाबेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। टी, नो चेंजेस। यू, नो चेंजेस। वी, नो चेंजेस। डब्ल्यू, नथिंग। Y, nothing, कोई changes नहीं होगा Y में भी। मैम W के बाद X होता है। Yeah, चलो erase the first option, first को clear करूँ मैं? Yes, yes ma'am. Because there are no space. Yeah, Y after Z, X Y Z, C Z. जैक के लिए अगर इस तरह से मिरर बनाओ वर्टिकल तो यू हैव टू सी लाइक दैट, ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। यस मैम, है ना। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, let me take the one example, please see carefully। ये मैंने एक square बनाया है और square के अंदर inside of square we have to take x, x for Christmas tree and one ball, एक ball को draw कर दी गया है and sky to see। अब यहाँ पे मैंने student वर्टेक्स मिरर को स्टैंड किया है, एंड फोर ऑप्शंस आर देयर। अब मैं चार ऑप्शंस आपके सामने रखती हूँ, यू आर आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द मिरर एग्जैक्टली मिरर इमेज ऑफ दिस क्वेश्चन। This is the A option.
This is the B option. Shall I erase this both table? Yes, ma'am. Yes, yes. C option. माही कैच करना शुरू कर दिया होगा स्टूडेंट कंसंट्रेट ऑन हियर सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन Yeah. Any guessing? Ma'am, B number. B. No, B ko main zoom kar rahi hu student. Student, main B ko zoom kar rahi hu. Please see. So D number. Ma'am, number D. Yeah, D option is the correct. देखिए सी ऑप्शन में ना हॉरिजेंटल लाइंस है जबकि ये साइलेंट लाइन है. ओके तो सी जो होगा एग्जैक्टली ये सी जो होगा. अब देखिए स्टूडेंट मैं आपको और अच्छे से क्लियर बता रही हूँ. आप बहुत अच्छे से ध्यान कीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे. ये जो सी है वो एग्जैक्ट आपके बीच में मिरर रखा हुआ है वो भी वर्टिकल पोजिशन पे रखा हुआ है. ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा. इस कल्टू में कोई चेंजेस नहीं होगा. देन नेक्स्ट जो बॉल बनी है इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा. और एक्स में तो हमने टेबल के अकॉर्डिंग देख ही लिया है कि एक्स में कोई चेंजेस नहीं होता है. मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट. यस क्लियर. Yes, ma'am. Okay, shall I erase all? Yes, ma'am. Thank you very much. And next question ko face karne ke liye ready ho jayenge. Question figure A is. I N K. And this is the mirror. Position is vertical. And four option. First option tell us like that. I N K. अभी जहां हमने काम किया है ना जस्ट आई एक्सप्लेन द अल्फाबेट टू टाइप्स ऑफ मिरर ओनली वन आई हैव एक्सप्लेन मिरर इज वर्टेक्स. ओके अभी हॉरिजेंटल मिरर एक्सप्लेन करना मुझे बाकी है तो अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. This is the B. This is the C option. And this is the D option. Yeah. Start your thinking. Ma'am, number B. Ma'am, number B. Number? B.
मैम नंबर बी. यस नंबर बी. श्योर मैम. यस मैम. यस देखिए स्टूडेंट मिस नंबर बी. बी ऑप्शन इज अ करेक्ट स्टूडेंट. देखिए के है के इस तरह से पलट जाए अपोजिट हो जाएगा के एंड दिस एंड ये कुछ इस तरह से नजर आने वाला है हमको और आई में कोई चेंजेस नहीं होगा. अब आप डी ऑप्शन नहीं बोल सकते बिकॉज लास्ट में तो आई है और यहाँ पे आई सेंट्रल में शो कर रहा है. डी इज शो आई इन सेंट्रल बिटवीन के एंड एन. सो डी ऑप्शन इज वेरी इनकरेक्ट बट दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट बिकॉज चुपके जब से लास्ट जो अल्फाबेट है वो फर्स्ट बन जाएगा मिरर इमेज में. अगर माइंड में तो प्लीज आस्क फ्रॉम मी एनी कंफ्यूजन. हैव यू एनी कंफ्यूजन? नो मैम. व्हेनेवर यू हैव कंफ्यूजन प्लीज ओपन द नोट notes and check once time. Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Yes ma'am. Horizontal mirror की ओर चलते हैं. जल्दी से copy open कर लीजिए and write horizontal mirror. Horizontal mirror. Horizontal mirror कुछ इस तरह से हमको दिखाई देता है. I use scale. आप भी ऐसे ही कर सकते हैं. परफेक्ट लाइन होती है इसमें और ये मैंने मिरर बना दिया. एंड फर्स्ट ए फर्स्ट अल्फाबेट ए ये हमको ऐसा उल्टा दिखाई देगा. बी लाइक दैट नो चेंजेस. सी no changes. D no changes. देखिए जहां verticals में whereas verticals में ये C and D is a look opposite as the original image और यहाँ पे same दिख रहे हैं. कोई changes नहीं हुआ है. E no changes. F yes changes. G like that perfectly देख लीजिए please. Otherwise आप बोलेंगे oh ये तो टमाटर का दिख रहा है. No student this is the G opposite G. H no changes. I no changes but J yes it will be changed. C next yeah. दो मिनट में मैं मिरर बनाती हूँ. आई ड्रॉ मिरर. किस टाइप का मिरर है स्टूडेंट? हॉरिजेंटल. अभी हम हॉरिजेंटल डिस्कस कर रहे हैं. के नो चेंजेस. एल
Yes, L changes over student. Like that. M. बहुत बड़ा changes होगा ये W दिखने लगेगा. Look W. N. Yes, changes होगा. और ये कुछ इस टाइप का changes होगा. O. No changes. P. Yes. It will be changed. Like that. Q, yes. R. मैम आप ओ नहीं लिखे. Because no changes. That's why. Yes, ma'am. R changes. S. एस कुछ इस तरह से सांप जैसी आकृति में बदल जाता है ये. टी. यस चेंज. ये उल्टा यू अपोजिट यू हो जाएगा. वी यस चेंजेस. W M बन जाएगा. See M change into W and W change into M. And next X Y Z. X. Then no changes. Y, yes, change. Opposite ho jayega. Z. Z mein bhi changes aayega aur ye kuch humko is tarah se dikhai dega. Aisa. मैम बेसिक अल्फाबेट में ये इस टाइप के चेंजेस हमको नजर आएंगे. तो आप लोगों को बहुत अच्छी घर पे प्रैक्टिस करना है. टू टाइम्स थ्री टाइम्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए आपके ये वाले इमेज मिरर वाले जो क्वेश्चन है वो लेफ्ट नहीं करोगे और 7 मार्क्स इसमें हमारे कंप्लीट हो जाएंगे. और ऐसा जरूरी नहीं कि अल्फाबेट ही आने वाले हैं. तो नंबरिंग भी आती है. नंबर को भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल मिरर के सामने स्टैंड करवाया जाता है और कहा जाता है कि इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा अकॉर्डिंग द मिरर वर्टेक्स आर हॉरिजेंटल. तो स्टूडेंट आज हम इसको भी चेक कर लेते हैं. तो आप एस एन एस वर्टेक्स मिरर को बना लीजिए. और ये हिडन मिरर नहीं रहेगा स्टूडेंट. इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे. क्वेश्चन के साथ जैसे मैंने मिरर बनाया था क्वेश्चन फिगर के साथ में वैसे ही आपको मिरर या तो वर्टेक्स मिलेगा या हॉरिजॉन्टल मिलेगा. तो यू डोंट वरी. जीरो जीरो नेवर चेंज. वन को देख लीजिए चेंजेस आएंगे इसमें और ये कुछ इस तरह से नजर आने वाला है. स्टूडेंट कोई टीचर आपको नहीं बताएगी लेकिन मैं आपको बेसिकली इसके क्लियर फंडे क्लियर कर रही हूं. थ्री फोर फाइव सिक्स काफी चेंजेस आया है. इस टू में भी चेंजेस आया. वन को तो वी कैन अंडरस्टैंड कि अपोजिट दिख रहा है लेकिन टू और फाइव में मोर चेंजेस है. सिक्स
नेक्स्ट फिगर भी बना ले रही हूं मैं. आई ड्रॉ द नेक्स्ट वर्टेक्स मिरर हियर. और नंबरिंग है 7. 7 आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा स्टूडेंट. एक में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है. वी ड्रा एज लाइक. एंड 9 बहुत चेंजेस आएगा 9 में. तो प्लीज एज सून एज आप बना लीजिए. और मेरे पास अभी भी 2 मिनट है स्टूडेंट, तो मैं वर्टेक्स के साथ साथ आपको हॉरिजॉन्टल नंबर इमेज को भी क्लियर करना चाहूंगी. We also draw the mirror of horizontal. Students, please keep concentrate on here. यहाँ पे ध्यान दीजिए और बनाना आज सीख लीजिए. This is the one, a one look होगा like that. 2. Yes, it will be changed by the horizontal mirror like that. 3. Never change. 4. Yes, changed. 5. Yes, changed. 6. Yes, changed. 7. Never change. 8.